और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है एटा से। एक शख्स का तीसरे चरण में हुए मतदान को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो के बाद आरोपी युवक पर कार्रवाई भी की गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसा दावा है कि युवक ने एक ही बूथ पर कई बार मतदान किया जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता और वीडियो अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 343 खीरिया पमारान का बताया जा रहा है। और वायरल वीडियो को लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा तुरंत एक्शन में आए और आरोपी पर एक्शन लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटा के नयागांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। जो युवक दिख रहा है उसका नाम राजन सिंह है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मतदान दल के सभी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मतदान केंद्र में पुनर्मतदान की सिफारिश भी की गई है। तो कह सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से मतदान हो, पूरा ध्यान इसका रखा जा रहा है। और एक युवक जब फर्जीवाड़ा करता हुआ पाया गया तो उस पर एक्शन लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं, एक वीडियो संज्ञान में आया है, वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ है और काफ़ी राजनीतिक दलों द्वारा भी उसका संज्ञान लिया गया है। फरुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एटा में अलीगंज विधानसभा थी जिसमें 13 मई को मतदान संपन्न हुआ था। कथित जो वीडियो है उसमें एक व्यक्ति है, लड़का है, जो कि वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और एक से ज़्यादा बार वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और उसका मीडिया पर वायरल होने के उपरांत अलीगंज SDM ARO द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और उस पर उनके द्वारा स्वयं प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन और जो भी जांच प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और प्रभावी कार्रवाई, जो भी कठोरतम प्रभावी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।